एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो आज मेरे घर पर कुछ है और क्या है ये मैं बाद में बताऊँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा ज़रूर से ज़रूर। और ये देखिए मेरे बच्चों को। तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, बस थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप लोग को दिखाती रहूँगी। और प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अभी बहुत सारा काम हो गया है, मॉर्निंग वाला सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज मैंने बनाई थी आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी, सब लोग खा चुके हैं। अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, बस ऐसे मैंने नहाया और साड़ी पहन लिया है। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और उसके बाद फिर जो है आप लोगों से मिलेंगे। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है और देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो किसी से मिलवा तो नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं है। तो बस ऐसे दिखा दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए ब्लॉग शुरू हो चुका है और देखते हैं कब तक बनाते हैं ब्लॉग। तो प्लीज़ 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 एंड तक ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। थोड़ा फूल खोल दो, दिखा तो ले रहे पिता एक फोटो खोल। भगवान आपसे आत्मा शांति प्रदान करे। कहे विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु नमः। नाश्ता वास्ता को दिन बनाए हो तो नहीं भागी हो ना पंडित जी जल्दी आए हो ना पंडित जी। तो यहाँ पर हो रही है पूजा पापा जी के लिए, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज उन्हीं के लिए पूजा हो रही है और उन्हीं के लिए जो है तिरही होती है ना वो है। तो मैंने सोचा मैं अपने डेली लाइफ शेयर करती हूँ, तो ये भी डेली लाइफ का एक हिस्सा है और मुझे ये शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पर पतिदेव पूजा कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो अभी हाँ जो है मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि पापा जी भी जाने की एज में नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और रोका तो नहीं जा सकता है, जो कुछ भी होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो अब ये हो रहा है और उसके बाद फिर जो है पतिदेव ने पूरा सब कुछ किया था, तो पूजा भी उन्हीं को करनी थी, तो इसलिए वो पूजा पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने किसी से वीडियो बनवाया था, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं गए थे, बाद में हम लोग गए थे लास्ट में। तो बस यही जो है मुझे आप लोग को बताना था। ब्लॉग तो मैंने सुबह से शुरू किया था, लेकिन जो है मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके सामने वीडियो वगैरह बनाना। तो पतिदेव ने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो बस मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और हाँ, एक स्कूल बुक है, वहाँ पर जो है खाना वगैरह है, तो वहाँ का भी आप लोग को थोड़ा सा मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी ये थोड़ा सा पूजा वाला है, ये मॉर्निंग में घर पर पूजा हो रहा है, तो ये वहाँ का है। और चलिए अभी मैं आपको स्कूल का दिखाती हूँ, जहाँ पर खाना पीना रखा गया है, तो वहाँ पर खाना वगैरह है, वहाँ पर जिसको आना होगा वो लोग आएंगे। और ये मॉर्निंग की पूजा थी जो कि हो चुकी है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी सी देर में। अंटू चौ खड़ा हो दोनों जने भैया सॉरी फाइल चल जाओ रुबी।
सरकार नोट जलवाई अधिकारी मतलब बहरे आए के सुनत रही भैया बताओ जो करे के स्थिति रही ऐसा लगा था सरकार नोट डलवाए हमारे यहाँ जो शाम अधिकारी सिपाही आए थे दरोगा और डॉक्टर जो पढ़ा लिखा रहे वह बहन जी के जो कमजोर वजह से जो कभो कभो वोट ना करे राजे सपा का वह जो पढ़ा लिखा कर रहा वह दे दी सपा केसो का है हार रहा वहां पे मुझे नोट दे रहे वीडियो भी चल रहा है टीचर रह चुकी है शिक्षा मित्र है चले गए थे अंग्रेज जी ने जब कहा मैं परीक्षा करा देना सबको पास भी करा दूंगा वहीं आए पास करा दूंगा नहीं ना क्यों है मुदू ने हरण हो गया मोबाइल खड़ा है कहा तो 10 मिनट रुका हो भैया दूर दूर से फोन आ रहा है बनारस आओ पी लो तो पी लो दो साल पहले नाग बहादुर भैया कमरे भैया तो सही बात हाँ हाँ प्रोजेक्ट कहाँ हुआ हाँ बनाएगा तू जा मेहमान हमारे संति बना ठीक है तो यहाँ पर जो है पापा जी का आज वो था तेरे ही जो होता है ना वही था बहुत दिन बाद हम लोगों ने किया है क्योंकि जो है उस और उसके बाद फिर जो है बीच में किया नहीं जाता तो शायद 11वें महीने में जो है फिर से होता है हम लोगों ने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था तो बस मैंने जो है मैं अपनी डेली रूटीन जो है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो मैंने सोचा ये भी शेयर किया जाए तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो और चलिए फिर मिलते हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल खड़ा है तो 10 मिनट रुका हो आप किसी